संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन दोनों ही सदनों में बजट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। लोकसभा का कार्यवाही के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा, बजट में बी का मतलब बिट्रेल विश्वासघात, यू का मतलब एम्प्लॉयमेंट, डी का मतलब डिप्राइव, जी का मतलब गारंटी, ई का मतलब एसेंट्रिक और टी का मतलब ट्रेजेडी है। गुजरात में पिछले 3-4 दिनों से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इसके वडोदरा, सूरत, भरूच और आनंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिर्फ वडोदरा में ही 24 घंटे में 13.5 इंच बारिश हुई है। राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 8 लोगों की मौत हुई है। इन जिलों के निचले इलाकों से 826 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। कई जगहों पर स्कूल कॉलेजों की भी छुट्टी कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के विकलांगता सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी सामने आई है। जिस अस्पताल से इसे जारी किया गया था, उसने अपनी इंटरनल जांच में पाया है कि सर्टिफिकेट जारी करने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई थी। पूजा के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी पहुंचने की 23 जुलाई की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन वे अकेडमी नहीं पहुंची। पूजा का मोबाइल फोन भी बंद है। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार 24 जुलाई को चौथा दिन है। आज भी दोनों सदनों में बजट पर बहस होगी। तीसरे दिन भी बजट पर बहस हुई थी। सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में भी बजट को लेकर हंगामा हुआ था। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राची और अन्य लोगों को समन भेजा है। यह समन भाजपा की मुंबई यूनिट के प्रवक्ता सुरेश करमशी नकुआ की तरफ से दाखिल मानहानि केस के मामले में जारी किया गया है। नकुआ के अनुसार ध्रुव राची ने एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अभद्र ट्रोल किया है। नकुआ ने 7 जुलाई को ध्रुव के खिलाफ यह केस दर्ज कराया था। इस पर डिस्ट्रिक्ट जज कुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई 2024 को यह समन जारी किया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश होने से 18 लोगों की मौत हो गई। घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने बुधवार की सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर बाद यह क्रैश हो गया। 9NANE प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 3 एक ही परिवार के हैं। भारतीय नौसेना ने बुधवार को मुंबई से करीब 370 किलोमीटर दूर समुद्र में तैनात बल्क कैरियर जोंगशान मेन से घायल चीनी नाविक को रेस्क्यू किया। मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास 23 जुलाई की शाम को मदद के लिए एक फोन आया, जिसमें जहाज पर मौजूद 51 साल के एक नाविक को हुई क्रिटिकल इंजरी रिपोर्ट की गई। कॉल की रिस्पांस में भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन INS चकीरा से एक हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा समेत नक्सली इलाके में न जाने का निर्देश दिया है। विदेश विभाग ने भारत के लिए रिवाइज्ड ट्रेवलर एडवाइजरी में अपने नागरिकों से कहा है कि भारत के कुछ इलाकों में अधिक खतरा अपराध और आतंकवाद की वजह से अधिक सावधानी बरती जाए। भारतीय अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। शेयर बाजार में आज 25 जुलाई को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 550 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,610 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 24,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शहरों में से 27 में गिरावट और केवल 3 में तेजी है। इसके साथ ही निफ्टी के 50 शहरों में से 43 में गिरावट, 5 में तेजी और 2 में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फ्रांस की राजधानी में पेरिस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 24 जुलाई को फुटबॉल और रग्बी सेवेंस के मुकाबले खेले गए। आज इन दोनों इवेंट्स के अलावा हैंडबॉल और आर्चरी के भी महिला और पुरुष इवेंट्स होंगे, जिसमें भारतीय एथलीट भी एक्शन में दिखाई देंगे। पेरिस ओलंपिक खेलों की आधिकारिक शुरुआत 26 जुलाई को होने वाली ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी।